Yes, hello and welcome back to this amazing chapter International Capital Budgeting. Now, we are going to take one question from RTP May 2013, 2024. RTP May 2024. This question was asked in RTP of May 2024. If this question is not printed in your book, then you will take a photo of this question from the screen you can also find out this question on the institute website okay and if this question is already printed in the book then there is no problem question is like this mr vishwas a friend of mr pramod who is one of the directors of Ashirwad limited. which company ashirvad is a citizen of mauritius. is a citizen of mauritius. his immediate family members include his parents born in india or residing in india. he has many friends in different parts of india. First they are talking about his family and personal history due to which he happens to visit india on frequent basis all these are useless information he along with mr. pramod evins interest in setting up business in india and formally incorporate a company to commence their operation is it right so vishwas and pramod wants to start an operation in india विश्वास की कंट्री कौन सी है मॉरिशियस अकॉर्डिंगली अ कंपनी कॉल्ड एरियस एरियस प्राइवेट लिमिटेड गॉट इनकॉर्पोरेटेड इन मुंबई तो इसको आप एक लाइन में समझो एक मॉरिशियस का पर्सन है वो इंडिया में एक कंपनी फॉर्म कर रहा है अपने दोस्त के साथ प्रमोद के साथ टू स्टार्ट विथ ही रिसीव्ड अ बिजनेस प्रपोजल फ्रॉम वन ऑफ हिज फ्रेंड्स निमिश एक और स्टोरी में करेक्टर आ गया अ कंसल्टेंट इट इज एस्टिमेटेड दैट द इक्वेलेंट टर्म्स दैट इन इक्वेलेंट टर्म्स द बिजनेस शेल रिक्वायर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ एम यू आर हंड्रेड मिलियन ये एम यू आर क्या है मॉरिशियस की करेंसी है मॉरिशियन करेंसी तो पहले आपको हंड्रेड मिलियन डॉलर हंड्रेड मिलियन एम यू आर इन्वेस्ट करना पड़ेगा इंडिया में तो इसका मतलब आपको इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा स्पॉट रेट से एंड देयर आफ्टर ध्यान से बढ़ना है एम यू आर टू मिलियन ईच ईयर एम यू आर टू मिलियन ईच ईयर विल बी नीडेड एज वर्किंग कैपिटल हर साल दो दो मिलियन आपको वर्किंग कैपिटल भी ऐड करना है हर साल दो दो मिलियन वर्किंग कैपिटल भी ऐड करना है उसके बाद पहले आपको हंड्रेड मिलियन इन्वेस्ट करना है उसके बाद दो दो मिलियन से बढ़ाना है वर्किंग कैपिटल ही विश टू इवेल्युएट वेदर द बिजनेस प्रपोजल इज वाइबल और नॉट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एक्सचेंज रेट एंड इन्फ्लेशन रेट इज एज फॉलोज तो ये जो आपको रेट दिया हुआ है मॉरिशियन डॉलर वन फॉर वन मॉरिशियन डॉलर वन पॉइंट एट एट इंडियन रुपी डायरेक्ट कोट इन इंडिया वन पॉइंट एट इंडियन रुपी पर मोरिशियन डॉलर इज़ अ डायरेक्ट कोट इन इंडिया और इन्फ्लेशन रेट कितना है? इंडिया 6% परसेंट मॉरीशियस पाँच परसेंट तो इसको आप यूज करके एस्टिमेटेड फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हैं यस वेरी गुड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इन्फ्लेशन विल रिमेन अनचेंज फॉर द नेक्स्ट फोर ईयर फिर लिखा आयनर एट करोर आउट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट आयन आर एट करोड़ आउट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट शेल बी रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप ऑफ अ प्लांट तो जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा उसमें से आठ करोड़ रुपए प्लांट पे खर्चा होगा लाइफ ऑफ प्लांट इज फोर ईयर और इसकी लाइफ कितनी है फोर ईयर एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू इन इंडियन रुपीज एटी लाख तो आठ करोड़ माइनस एट्टी लाख डिवाइड बाई फोर ईयर्स विल बी डेप्रीशियशन पर एन एम डेपरीशियशन इज चार्ज ऑन एस एल एम बेसिस काम ईजी हो गया फोर्टी परसेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट शैल बी थ्रू डेट फंड फ्रॉम मोरिशियस एट अ कॉस्ट ऑफ टेन परसेंट पोस्ट टैक्स अब टेन परसेंट पोस्ट टैक्स लिखा है तो उसको छेड़ना मत एंड रिमेनिंग फंड शेल बी अरेंज बाई हिम एंड हिस्स फ्रेंड्स दे एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ ट्वेल्व परसेंट ऑन देअर फंड्स दो सोर्सेज से आप फंडिंग कर रहे हो बोरोड फंड ओन फंड तो आपको इस क्वेश्चन में डिस्काउंट रेट के लिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा डिस्काउंट रेट के लिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा उसके बाद लिखा है एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड कॉस्ट ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग डिप्रीशिएशन इन रियल टर्म्स रियल टर्म्स मतलब इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं है तो इसने अगले चार सालों का रेवेन्यू प्रोजेक्ट किया है अपने चार सालों का कॉस्ट प्रोजेक्ट किया है अज्यूम दैट एप्लीकेबल टैक्स रेट इज थर्टी परसेंट इन इंडिया बहुत अच्छे देर इज अ डी टी ए बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशियस कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इन मॉरिशियस इफ टैक्स हैज बीन पेड इन इंडिया ठीक है तो डी टी ए अब ये जो ऊपर रेवेन्यू दिया है उन्होंने ये आपको रियल रेट में दिया था रियल टर्म्स में लेकिन रेवेन्यू और कॉस्ट पे इन्फ्लेशन लगेगा कितना तो यहाँ पर रेवेन्यू का इन्फ्लेशन पस फर्स्ट है दस परसेंट सेकेंड ईयर में नौ तो आपको पहले दस परसेंट से बढ़ाना फिर उसी अमाउंट को नौ परसेंट से बढ़ाना है ठीक है फिर उसी अमाउंट को तीसरे साल में आठ परसेंट से वन पॉइंट टेन इंटू वन पॉइंट जीरो नाइन इंटू वन पॉइंट जीरो एट और लास्ट ईयर में उसको चारों से मल्टीप्लाई करना सेम थिंग फॉर कॉस्ट तो सबको पहले इन्फ्लेशन एडजस्ट करके रेवेन्यू एंड कॉस्ट निकालेंगे डिप्रीशिएशन माइनस करेंगे टैक्स माइनस करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकाल लेंगे ठीक है पहले सारा जो कैश फ्लो है वो रूपी में आएगा और बाद में फिर हम उसको मॉरिशियन डॉलर में वापस कन्वर्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या उनको एन पॉजिटिव मिल रहा है या फिर नहीं ही वॉन्ट्स एन एक्सपर्ट ओपिनियन वाह तुम अभी फाइनल पास किए नहीं और तुमसे ओपिनियन मांग रहा है फॉर द सेम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कितनी तुम्हारी रेस्पेक्ट कर रही इंस्टीट्यूट डेमोन्स्ट्रेट वेदर इन्वेस्टमेंट इन दिस प्रोजेक्ट इज़ वाइबल ऑप्शन और नॉट और उन्होंने कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए राउंड ऑफ कैलकुलेशन अप टू फोर डेसिमल तो बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है फोर डेसिमल तक लिख देना ठीक है और उसके बाद शो आई आर कैलकुलेशन इन क्रोर्स एंड एम यू आर कैलकुलेशन इन मिलियन इज इट राइट तो पहले मैं कुछ वर्किंग नोट बनाना चाहूँगा आगे के चार साल का फोरकास्टेड एक्सचेंज रेट निकालना है तो स्टेप वन होगा कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट जैसे कि हमने बहुत सारे कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन में देखा है स्पॉट रेट दिया रहता है इन्फ्लेशन रेट दिया रहता है दोनों कंट्रीज़ का तो उसके बेसिस पे आप फॉरवर्ड रेट या एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स निकाल सकते हैं तो कृपया करके लिखेंगे ईयर कैलकुलेशन डायरेक्ट कोट दिया हुआ है क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन होगा एस इन टू वन प्लस आई डी अपॉन वन प्लस आई एफ आई डी मीन्स इन्फ्लेशन इन डोमेस्टिक यानी इंडिया एंड आई एफ मीन्स इन्फ्लेशन इन फॉरेन कंट्री और एक्सचेंज रेट आपको लिखना है आई एन आर पर एम यू आर इंडियन रुपी पर मॉरिशियन डॉलर तो अभी स्पॉट रेट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है देखना स्पॉट रेट दिया हुआ है वन पॉइंट एट एट बराबर इंडिया में इन्फ्लेशन कितना दिया हुआ है सिक्स परसेंट डिवाइड बाई वन पॉइंट जीरो सिक्स डिवाइड बाई वन पॉइंट जीरो फ़ाइव उस नंबर को कैलकुलेटर से हटने मत देना इसी नंबर को मैं नेक्स्ट राउंड में यूज़ करने वाला हूँ स्पॉट की जगह बोलो आंसर सही है क्या वन पॉइंट एट नाइन सेवन नाइन नेक्स्ट ईयर टू वन पॉइंट एट नाइन सेवन नाइन इंटू वन पॉइंट जीरो सिक्स डिवाइड बाई वन पॉइंट ज़ीरो फाइव divide by 1.05 1.9160 year 3 1.9160 into 1.06 divide by 1.05 can you give me the answer 1.9342 आ रहा है क्या नंबर हटने मत दो ना कैलकुलेटर से तो जल्दी होगा 1.9526 तो ये रेट ऑफ एक्सचेंज मुझे लास्ट में काम आएगा फिर लिखना स्टेप टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन आई एन आर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन आई एन आर तो उसने कहा है कि मैं हंड्रेड मिलियन एम यू आर इन्वेस्ट करेंगे और स्पॉट रेट कितना है वन पॉइंट एट एट है स्पॉट रेट वन पॉइंट एट एट है तो आज उसने कहा है इंडियन रुपी में लिखोगे तो करोड़ में लिखना एम में लिखोगे तो मिलियन में लिखना कुछ गरीब बच्चे इसी में शहीद हो जाएंगे ठीक है तो लूटने की भी हद है स्टेप थ्री वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लिखा आपको हर साल दो दो मिलियन इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर साल दो दो मिलियन इन्वेस्ट करना पड़ेगा एम में उसका इक्विवेलेंट रूपी में आपको निकालना है राइट right? और बिकॉज आप हर साल इन्वेस्ट करोगे तो एक्सचेंज रेट बदल रहा है बोलो हाँ तो आपको जो आपने अभी ऊपर वर्किंग नोट में एक्सचेंज रेट निकाला था वो यूज़ करके वर्किंग कैपिटल का इंडियन रूपी में अमाउंट निकालेंगे प्लीज़ राइट डाउन थ्री कॉलम्स ईयर एक्सचेंज रेट आई एन आर पर एम यू आर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड अब उसने क्वेश्चन में क्लियरली नहीं लिखा वर्किंग कैपिटल बिगिनिंग में रिक्वायर्ड है या एंड में रिक्वायर्ड है तो हम एंड अज्यूम करेंगे बिगिनिंग में तो उसने एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है उसमें सारा पैसा प्रोजेक्ट में नहीं गया कैपिटल सारा प्रोजेक्ट प्लांट में नहीं गया प्लांट में, गया। प्लांट में कुछ अमाउंट गया था इसका मतलब बाकी पैसा वर्किंग कैपिटल में यूज़ हुआ होगा चलिए स्टार्ट करें ईयर लिखना वन टू थ्री फोर स्टेप वन से एक्सचेंज रेट प्लीज कॉपी कर लेना स्टेप वन से एक्सचेंज रेट कॉपी कर लेना वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड दो मिलियन दो मिलियन एम यू आर है उसको 1.8979 से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन आपको करोर्स में लिखना है तो 10 से डिवाइड भी हो जाएगा कितना आया पॉइंट थ्री सेवन नाइन सिक्स आया क्या हाँ बस इसी तरह करते रहना टू इंटू वन पॉइंट नाइन वन सिक्स जीरो लेकिन उसको डिवाइड बाई टेन भी करना ताकि करोड़ में है ना तो एक साल बाद तुम नोटबुक खोलोगे ना अपने घर से ही मुझे तुम गाली दोगे बैठे बैठे कि ये कैसा मल्टीप्लाई है हम आंसर क्रोर में लिख रहे हैं और ये टू मिलियन जो है ये मिलियन है चलिए नेक्स्ट बताना पॉइंट थ्री एट सिक्स एट आया नेक्स्ट बताइए थ्री नाइन जीरो फाइव ये वर्किंग कैपिटल हर साल इन्वेस्ट करेंगे और जैसा कि स्टूडेंट जानते हैं लास्ट में टोटल रिकवर करेंगे एक टोटल लेंगे क्या यहाँ पे टोटल रिकवरी भी करनी है टोटल लास्ट फोर्थ ईयर में क्या कोई मुझे टोटल बताने में मदद करेगा 1.5401 लास्ट में काम आएगा 1.5401 पॉइंट फाइव फोर इन करोड रुपीज इन करोर आ गया अब इस क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट है ये जो रेवेन्यू और कॉस्ट दिया हुआ है वो रियल टर्म्स में दिया हुआ है और उनका हर साल क्या इन्फ्लेशन होगा वो भी दिया हुआ है तो पहले मुझे क्या करना चाहिए मैं उसके पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं डब्ल्यू प्रोजेक्ट दो सोर्सेज से फंडिंग हो रही है डेट और इक्विटी से तो बचपन में ये WACC का फॉर्मूला पढ़ा था ना डब्लू डी इंटू के डी प्लस डब्लू ई इंटू के ई क्वेश्चन देख के बताना वेट ऑफ डेट कितना दिया हुआ है डेट फंड से कितना पैसा लगाएंगे चालीस परसेंट पॉइंट फोर कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स दिया हुआ है टेन परसेंट इंटू टेन वेट ऑफ इक्विटी अपने आप पॉइंट सिक्स हो जाएगा और जो इक्विटी इन्वेस्टर है उनकी चाहत क्या है ट्वेल्व परसेंट फाइनल आंसर बताएंगे 11.2 पॉइंट टू परसेंट फाइनल आंसर इज इलेवन पॉइंट टू परसेंट ये लास्ट में आपको डिस्काउंटिंग के लिए काम आएगा तो इसको आप बाद में याद करना स्टेप नंबर फाइव लिखना इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेवेन्यू एंड कॉस्ट इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेवेन्यू एंड कॉस्ट इंस्टीट्यूट ने दो क्वेश्चन को मर्ज करके इसको बनाया है एक आप एडवांस कैपिटल बजटिंग चैप्टर में एक सिमिलर प्रॉब्लम है ठीक है लेकिन वहां पे प्रोजेक्ट इंडिया में ही लोकेटेड है इस बार उसमें सिर्फ एक काम किया फॉरेन से थोड़ा पैसा यहां पर ला दिया तो डोमेस्टिक कैपिटल और इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग को मिक्स करके उसने क्वेश्चन बना दिया ठीक है चलो अच्छी बात है कुछ तो नया किया कुछ तो नया किया इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेवेन्यू एंड कॉस्ट सारे बच्चे पूरी ध्यान से पढ़ाई करेंगे ईयर रेवेन्यू इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेवेन्यू उसके बाद कॉस्ट इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट ईयर वन टू थ्री फोर क्वेश्चन में देखना रेवेन्यू इन रुपीज़ करोड़ दिया है शायद रेवेन्यू इन रुपीज़ करोड़ दिया है ना ब्रैकेट में लिखना रुपीज़ इन करोरस और यहां पर भी रुपीज़ इन करोरस सभी जगह लिख दो रुपीज़ इन करोरस तो पहले साल का इन्फ्लेशन कितना है रेवेन्यू पे टेन परसेंट है सिक्स इंटू वन पॉइंट टेन सिक्स पॉइंट सिक्स दूसरे साल का इन्फ्लेशन कितना है नौ परसेंट है अब यहाँ पर स्टूडेंट गलती क्या करेगा वो सिर्फ़ सात लेगा और इंटू वन पॉइंट ज़ीरो नाइन लेकिन वो सेकेंड है वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले साल से गुजरना होगा तो ऑलरेडी दस परसेंट बढ़ जाएगा पहले साल में उसके बाद उस पर नौ परसेंट लगेगा चेक करना एट पॉइंट थ्री नाइन थ्री आया क्या अब थर्ड ईयर का इन्फ्लेशन कितना है आठ परसेंट है पहले आठ लेंगे उसको दस परसेंट से पहले साल का इन्फ्लेशन दूसरे साल का इन्फ्लेशन तीसरे साल का इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट भी क्यूमलेटिव होता है इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट भी क्यूमलेटिव होता है कितना आया टेन पॉइंट थ्री फाइव नाइन फोर जवान आगे बढ़ेगा फोर्थ ईयर एट इंटू वन पॉइंट टेन इंटू वन पॉइंट जीरो नाइन इंटू वन पॉइंट जीरो एट इंटू वन पॉइंट जीरो सेवन पॉइंट जीरो एट फोर फाइव बोलो यस यस कॉस्ट क्वेश्चन बुक से देख कर लिखना या क्वेश्चन पेपर से देख कर लिखना थ्री फोर 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 दिया हुआ है क्या यहाँ पर इन्फ्लेशन अलग है कॉस्ट का इन्फ्लेशन पहले साल बारह परसेंट है थ्री इंटू वन पॉइंट ट्वेल्व थ्री पॉइंट थ्री सिक्स सेकेंड ईयर का इन्फ्लेशन कितना है दस परसेंट तो पहले साल बारह परसेंट से बढ़ेगा उसके बाद दस परसेंट से बढ़ेगा आंसर बोलेंगे फोर पॉइंट नाइन टू एट थर्ड ईयर का इन्फ्लेशन कितना है नौ परसेंट है तो पिछले आंसर को इंटू वन पॉइंट जीरो नाइन कर दो टाइम बचेगा पिछले आंसर को इंटू वन पॉइंट ज़ीरो नाइन कर दो फोर पॉइंट फाइव पॉइंट थ्री सेवन वन फाइव आया क्या और पिछले आंसर को वापस इंटू वन पॉइंट जीरो एट कर दो क्योंकि चौथे साल का इन्फ्लेशन जो है वो आठ परसेंट है फाइव पॉइंट एट जीरो वन टू आ गया क्या अब मेरे सारे वर्किंग नोट तैयार हो गए हैं अब इन सारे नंबर्स को एक जगह लेकर आएंगे रेवेन्यू आ गया कॉस्ट आ गया डेप्रीशन निकाल लेंगे पी आ जाएगा पैट आ जाएगा सी आ जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है उन सबको एडजस्ट करके पहले सी एफ इन रुपी आ जाएगा वापस उसको मोरिशन डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद जो आपने डिस्काउंट रेट निकाला था उससे हम डिस्काउंट कर देंगे क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ठीक है समझ लेना कि कभी भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इसमें एक साथ दो चैप्टर की टेस्टिंग हो गई एडवांस कैपिटल बजटिंग भी टेस्ट हो गया और इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग भी टेस्ट हो गया स्टेप नंबर सिक्स लास्ट स्टेप एनपीवी ऑफ दी प्रोजेक्ट रुपीज़ इन करोर पहले रुपीज़ इन करोर लेकिन बाद में थोड़ी देर के बाद वो मिलियन में चला जाएगा ठीक है पॉइंट नंबर ए टोटल लास्ट पाँच कॉलम राइट साइड में होगा जीरो वन टू थ्री फोर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहां से मिलेगा स्टेप टू से मिलेगा एटीन पॉइंट एट दिख रहा है आपको अभी पहले मैं पूरा रुपीस में कैलकुलेट करूंगा उसके बाद वर्किंग कैपिटल स्टेप थ्री से मिलेगा स्टेप थ्री से मिलेगा वो भी रुपीज़ इन करोर्स वाला फिगर लिखना गो टू स्टेप थ्री आपको आपकी नोटबुक में ऊपर दिखेगा दिख रहा है पॉइंट थ्री सेवन नाइन सिक्स सेकेंड ईयर कितना था थ्री एट थ्री टू था थर्ड ईयर कितना था पॉइंट थ्री एट सिक्स एट था बहुत अच्छे लास्ट में बताएंगे। थ्री नाइन ज़ीरो फाइव उसके बाद लिखना रेवेन्यू स्टेप फाइव इसके ऊपर वाले रेवेन्यू उस पर जाइए इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेवेन्यू लिखना है 6.6 है बोलिए हाँ 8.393 10.3594 मेरे साथ साथ लिखते रहिए सिर्फ दर्शन नहीं लेना है ठीक है कॉस्ट वो भी स्टेप फाइव वो भी स्टेप फाइव प्रेजेंटेशन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट पेपर चेकर को ध्यान आना चाहिए कि आपने कहाँ से नंबर लिया है कॉस्ट इन्फ्लेशन एडजस्टेड वाला बताइए 3.36 4.928 5.3715 5.80 12 फिर लिखना डिप्रीसीशन डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन होगा एट माइनस पॉइंट एट डिवाइड बाई फोर ईयर्स तो ये हर साल वन पॉइंट एट करोर डेप्रीशिएशन मिलेगा क्योंकि जो प्लांट है उसकी कॉस्ट आठ है पूरा नहीं लेना ये एटीन पॉइंट एट नहीं लेना है नॉर्मली जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो प्लांट में होता है इस क्वेश्चन में लिखा इस एटीन पॉइंट एट में से प्लांट पर सिर्फ आठ ही है नेक्स्ट पॉइंट पीबीटी निकाल सकते हैं बोलिए हाँ खुद से निकालो सी माइनस डी माइनस ई यस फर्स्ट बेंच आंसर बताओ वन पॉइंट फोर फोर सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर वन पॉइंट सिक्स सिक्स फाइव जब तक तुम नहीं बोलोगे मेरा कंप्यूटर आगे नहीं बढ़ेगा आवाज़ सुन के आगे बढ़ता है ठीक है 3.1879 हाँ नेक्स्ट 3.4833 शाबाश क्या हम पैट निकाल सकते हैं टैक्स रेट इंडिया में कितना है 30 परसेंट है तो पैट विल बी 70% परसेंट ऑफ पीबीटी बोलो हाँ कितना आया 1.008 आ रहा है वेरी गुड 1.1655 वेरी गुड प्रणव नेक्स्ट वेरी गुड सोनाली टू पॉइंट टू थ्री वन फाइव लास्ट वन 2.4383 सारे स्टूडेंट काफ़ी होशियारी से आंसर दे रहे हैं सी एफ अब कैसे निकालेंगे पैट प्लस डिप्रीशिएशन लिखिए जी प्लस ई जी प्लस ई प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्ज़ाम ऐड करेंगे 2.808 आया क्या 2.9655 आया क्या दोनों हाइलाइटेड फिगर को ऐड करना है 4.0315 आया क्या 4.2383 आ गया तो ये मेरा सी जनरेट हो गया रुपीज़ में है. और उसके अलावा प्रोजेक्ट की लाइफ जो है चार साल है चौथे साल के अंत में हम उसको स्क्रैप करेंगे प्लांट को याद है पॉइंट एटी इधर आपने डिप्रीशिएशन निकालते समय भी यूज़ किया था और एक जो ये वर्किंग कैपिटल आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया ऊपर सेकेंड लाइन में इसका टोटल भी आपने किया था स्टेप नंबर टू या थ्री में 1.5401 तो ये रिकवरी हो गई लास्ट ईयर में लास्ट ईयर में रिकवरी हो गई 1.5401 अब मैंने कुछ नंबर आप देखना रेड फॉन्ट में लिखे हैं ये क्या दर्शाते हैं गेस करो ये क्या दर्शाते हैं ये इनफ्लो एंड आउटफ्लो दर्शाते हैं ये जो ब्रैकेट में है वो आउटफ्लो इन रुपी है और जो पॉजिटिव नंबर है वो इनफ्लो इन रुपी है तो अभी आपको क्या करना है ये इनफ्लो एंड आउटफ्लो को ऐड करना है तो आपको मिलेगा एनुअल कैश फ्लो एनुअल कैश फ्लो इन रुपीज आराम से शांत मन से करेंगे पहला नंबर मैं बताऊंगा विदाउट कैलकुलेटर देखो मेरी ताकत 18.8 18.8 क्या समझते हो मुझको तुम लोग बाकी इजी व, इजी इजी आप बताओ हाँ ईयर वन टू पॉइंट फोर टू एट फोर इन दोनों का नेट लेना है आपको ईयर थ्री बताना ईयर थ्री बताना टू पॉइंट फाइव एट टू थ्री ईयर थ्री बताना ईयर थ्री बताना थ्री पॉइंट सिक्स फोर फोर सेवन ईयर फोर में आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत है एक नेगेटिव और तीन पॉजिटिव है सिक्स पॉइंट वन एट सेवन नाइन है कौन सी करेंसी में है ये रुपीस इन करोरस में है लेकिन जो इन्वेस्टर और मॉरिशियन इन्वेस्टर है तो वो क्या करेगा इसको वापस अपनी कंट्री में लेकर जाएगा तो हमें एक्सचेंज रेट लिखना है स्टेप वन आई एन आर पर एम यू आर आई एन आर पर एम यू आर स्पॉट रेट तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है स्पॉट रेट कितना दिया हुआ है वन पॉइंट एट एट और बाकी चार रेट आपने स्टेप वन में निकाला था प्लीज गो टू स्टेप वन एंड राइट द एक्सचेंज रेट स्टेप वन में मिल जाएगा यूल गेट इन द स्टेप वन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है ठीक है हो सके तो नोटबुक में लिखना अच्छे से लाइन ड्रॉ करके पॉइंट्स लिख के अब क्या आप मुझे कैश फ्लो बता सकते हैं इन एम यू आर मिलियन मिलियन में करना है तुम पहले तो डिवाइड करोगे उसके बाद टेन से मल्टीप्लाई कर देना पहले इस नंबर को ना इस नंबर को इससे डिवाइड करना और इनटू टेन करना तो मिलियन में आ जाएगा क्योंकि उसने लिखा है मोरिशन डॉलर में फिगर अगर लिखते हो तो मिलियन में लिखना है तो, करेक्ट हंड्रेड देखिए वापस आ गया नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट कॉलम ट्वेल्व पॉइंट सेवन नाइन फाइव टू ट्वेल्व पॉइंट सेवन नाइन फाइव टू आ रहा है वेरी गुड कोई और बताएगा नेक्स्ट ईयर क्या आ रहा है थर्टीन पॉइंट फोर सेवन सेवन सिक्स वेरी गुड एक और एक और 18.8434 पॉइंट एट फोर ये आपका कैश फ्लो इन मॉरिशियन डॉलर आ गया उसके बाद लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 11.2 परसेंट याद है डब्ल्यू वही है पी वी एट इलेवन परसेंट पी वी एट एलेवन पॉइंट टू परसेंट तो पहला नंबर तो हंड्रेड ही रहेगा हंड्रेड ब्रैकेट में लिखना हंड्रेड ब्रैकेट में उसके बाद ट्वेल्व पॉइंट सेवन नाइन फाइव टू डिवाइड बाई वन पॉइंट वन वन टू ज़ीरो प्लीज रेस्पॉन्ड इलेवन पॉइंट फाइव जीरो सिक्स सेवन आ रहा है फिर से एक बार थर्टीन पॉइंट फोर सेवन सेवन सिक्स डिवाइड बाई वन पॉइंट वन वन टू जीरो दो बार इक्वल टू टेन पॉइंट एट नाइन नाइन थ्री हो सके तो मेमोरी प्लस फंक्शन यूज करना एनीबडी थर्ड ईयर थर्ड ईयर यस कम थर्टीन पॉइंट सेवन जीरो फोर एट पुनीत जी आंसर करें फोर्थ ईयर का ट्वेंटी पॉइंट सेवन टू फाइव सेवन बस खेल ख़त्म पैसा हजम अब इसका टोटल करना है आपको कितना एन आया नेगेटिव फोर्टी थ्री पॉइंट वन सिक्स थ्री फाइव आ रहेगा तो नीचे लिखेंगे एन पी वी इज इक्वल टू नेगेटिव एम यू आर फोर्टी थ्री पॉइंट वन सिक्स थ्री फाइव ये चारों पांचों नंबर को नीचे जो लिखा था ना अभी आराम से शांत मन से टोटल करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव एन आ रहा है नेगेटिव एन पी वी मिलियन आ रहा है इज़ इट राइट सब ने यही लिखा है yeah. इतनी मेहनत करने के बाद एडवाइस क्या लिखेंगे डो नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल एज द एन पी वी इज नेगेटिव एज द एन पी वी इज नेगेटिव डो नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल एज द एन पी वी इज़ नेगेटिव करेक्ट एक एजम्पन लिखना एजम्प्शन वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड एट द एट द एंड ऑफ द ईयर क्योंकि हमने एंड ऑफ द ईयर का एक्सचेंज रेट लगाया है एंड ऑफ़ द ईयर का हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ किया है यूजुअली प्रॉब्लम में वर्किंग कैपिटल बिगिनिंग ऑफ द ईयर में इन्वेस्ट होता है ठीक है तो बट फिर भी अजम्पन हमने लिख दिया तो दिस आंसर इज़ ओवर थैंक यू वेरी मच ठीक है तो हमारे यूट्यूब चैनल यस फाउंडेशन को आप सब्सक्राइब करके रखिए उसमें जो भी अपडेट्स आएंगे वो उसमें ऐड होता जाएगा ठीक है सो थैंक यू वेरी मच सी यू हैव अ गुड डे बाय बाय